यस कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आपके पास एग्जाम का टाइम कम है और मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इन क्वेश्चंस को करवाने का क्या पर्पज है। नंबर वन, इन क्वेश्चन से एक लॉजिक अप्रोच डेवलप होगी। दूसरा, कई क्वेश्चन जिनमें आप हो सकता है स्टेप ज्यादा ले रहे हैं वहां स्टेप सेव कर सकते हैं, लॉजिक से, ऑप्शन से, कंसेप्ट से, या क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होगी ये डेवलप करवाना पर्पज है। और आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप बहुत हो सकता है डिफरेंट अप्रोच से कर रहे हो, पर बहुत सिंपल अप्रोच से भी किया जा सकता है। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, इफ sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ। इसको हम मैथड से तो कर सकते हैं, बट इसमें लॉजिक समझे कि जैसे यहां पर sec थीटा दिया है तो आपको और स्क्वायर दिया है, बाकी sec थीटा की रेंज आपको पता है क्या होती है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, यूनियन ऑफ वन टू इंफिनिटी। तो अगर sec स्क्वायर थीटा है तो इसकी रेंज हो गई वन टू इंफिनिटी। और मैं एक बात बिल्कुल श्योर बता दूं आपको कि मैं आपके साथ कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो जेई मेंस, एडवांस या और भी अलग अलग एग्जाम में आए। क्वेश्चन हो सकता है काफी टफ हो, पर मैं जिस ढंग से आपको करवाऊंगा, आपको हमेशा मेरे साथ क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इजी वे लगेगा, और इजी वे से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, सिंपलेस्ट तरीके से। टफ क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम क्रैक नहीं होता, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने से अप्रोच डेवलप होती है। अब देखिए ये बात समझ लीजिए कि वन टू इंफिनिटी, अब जैसे इसके कुछ ऑप्शन देखें, इसमें ऑप्शन है एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों का सम जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पर देखिए ध्यान से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, y not equal to 0। अगर हम एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x2 ले लें और y3 ले लें, तो हम दो ऑप्शन को एक समय में समझना, वैसे भी दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है पर फिर भी इनका सम जीरो नहीं है और दोनों नॉट जीरो। अगर मैं 2 और 3 यहां रखूं तो 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 24 अपॉन 25 लेस देन 1, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट आंसर, ये भी रिजेक्ट। अब एक बहुत अच्छी बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है आप ये आंसर लगा दें, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, बट इस आंसर में ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब x और y जीरो भी हो सकता है, और x और y जीरो हुआ तो जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। यानी आप यहां पर श्योर हो गए कि b इज अ राइट आंसर। इस तरह से आपको करना, जब कभी भी आप ऑप्शन के उस पर जाए तो आपको बस ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको कौन से थ्री रॉन्ग है, राइट नहीं ढूंढना। अब देखिए x इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू जीरो, अब x नॉट इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियसली जब x इक्वल टू y तो y नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप कोई भी एक्स वाई की वैल्यू ले लीजिए, मान लो आपने 3 3 लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36, देखिए ये 1 आ गया, राइट right? यानी आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 2b इक्वल टू cos a प्लस सी अपॉन cos a माइनस सी, देन tan a tan b tan c आर इन ap, आर इन gp, आर इन hp। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंडीशनल क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, आपको बोला है ये इक्वल है तो आपको बताना है कि tan a tan b tan c क्या होगा। अब अगर इसको 10 में बनाना है तो कहीं ना कहीं से साइन लाना, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, यस आप चाहें तो इसमें कंपोनेंटो डिपेंडो लगा लें। क्या होता है ये, कई जगह पे बहुत काम की ट्रिक होती है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जो मैं आपके साथ ये सेशन शेयर कर रहा हूं, इन सारे सेशन को देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कवर करते हुए चलेंगे, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस की अप्रोच सॉल्विंग से बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में। अब देखिए यहां पर क्या होगा, cos 2b प्लस 1 अपॉन cos 2b माइनस 1 इक्वल टू, ये स्टेप आप बचाइएगा, कोशिश करा करिए कि जितनी स्टेप बचे उतना अच्छा है आपके लिए, cos a प्लस सी माइनस cos a माइनस सी। ये देखिए हाफ एंगल से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर b, ये भी हाफ एंगल से पर माइनस आएगा तो माइनस 2 sin स्क्वायर b, यहां पर लगेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a cos b अपॉन, यहां पर माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा 2 sin a sin c, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 10 cot स्क्वायर, लिख सकते हैं यहां पर हम, ठीक है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो cot स्क्वायर b इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a इंटू cot स्क्वायर c, या हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर b इक्वल टू, स्क्वायर नहीं आएगा यहां, सॉरी tan स्क्वायर b इक्वल टू tan a इंटू tan c, यानी ये कंडीशन ऑफ
जीपी हो गया, तो आंसर हुआ 10A 10B 10C आर इन जीपी, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. इफ अल्फा वन एंड अल्फा टू आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू सी, देन टेन अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू. ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, पूछा है टेन अल्फा वन प्लस अल्फा बाई टू. इसका मतलब लॉजिकली देखें तो आपको कुछ ऐसा है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा वन बाई टू प्लस टेन अल्फा टू बाई टू अपॉन वन माइनस टेन अल्फा वन बाय टू इंटू टेन अल्फा टू बाई टू. यानी अगर ये 10 की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया. क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बहुत इजी, एकदम से क्लिक करना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कर पाए. अब देखिए यहां पर अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूं तो ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस बी टाइम्स ऑफ 2 टेन अल्फा बाय टू अपॉन 1 माइनस टेन सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू इक्वल टू सी. अब देखिए आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए स्क्वायर टेन अल्फा बाय टू प्लस बी टू बी टेन अल्फा बाय टू इक्वल टू सी प्लस सी टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, राइट? पूरी 10 की एक इक्वेशन बना लीजिए क्वाड्रेटिक, तो 10 स्क्वायर अल्फा बाय टू कॉमन, तो ए प्लस सी प्लस टू बी इंटू टेन अल्फा बाय टू प्लस ए माइनस सी इक्वल टू जीरो. सॉरी, सबको उधर ट्रांसफर किया है, उधर गया तो ये माइनस टू बी होगा और ये हो जाएगा सी माइनस ए. अब देखिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही बताना है. सम ऑफ रूट्स होगा टू बी अपॉन ए प्लस सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वन माइनस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी, यानी टू बी अपॉन ए प्लस सी माइनस सी प्लस ए, यानी बी अपॉन ए इज अ राइट आंसर. बस क्लिक करने की बात है. जैसे आपसे जैसे ही पूछा टेन अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू क्या होगा, आपने लिखा टेन अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू, सम ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया. और मैं पहले जो क्वेश्चन लिखता हूं, कोशिश करिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन ना देखें, सेल्फ सॉल्व करिए, फिर उसके बाद ही सोल्यूशन पे आइए. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. इन इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी सी ऑन अपोजिट साइड आर इन एच पी, देन साइन ए साइन बी साइन सी आर इन. क्या करेंगे इसमें, देखिए सिंपल, ध्यान से समझिएगा. ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ये इसका एल्टीट्यूड होगा डी ई एंड एफ, राइट? ये एल्टीट्यूड होगा तो परपेंडिकुलर होंगे. अब आपको बोला है कि जो एल्टीट्यूड है यानी ए डी बी ई और सी एफ जो है वो एच पी में है, ओके? अच्छा, ये साइड होगी तो आपसे पूछा है कि साइन ए साइन बी साइन सी आर इन, राइट? ये देखिए ये साइड हो गई ए, ये साइड हो गई बी, ये साइड हो गई सी, राइट? अब मुझे एक बार बताइए कि यहां पर अगर एक चीज समझे, ए डी बी, अगर मैं इस ट्राइंगल का आपसे पूछूं कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो आप बोलते हैं हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, मतलब हाफ ए डी इनटू ए, और यहां डेल्टा लिखो तो 1 बाय टू ए डी इंटू ए, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए. सिमिलरली बी ई इक्वल टू भी 2 डेल्टा अपॉन बी लिखते, और सी एफ इक्वल टू भी 2 डेल्टा अपॉन सी लिखते आप. यानी ये अच्छा, ये एपी एचपी में दिया है, ये मतलब हो गया. तो इसका मतलब 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी आर इन एच पी. इसका मतलब ए बी सी आर इन ए पी, या इसको के साइन ए बोल सकते हैं साइन फॉर्मूले से, के साइन बी एंड के साइन सी आर इन ए पी. तो जो आपको पूछा है साइन ए साइन बी साइन सी आर इन, तो योर आंसर इज ए पी. बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से आपने क्वेश्चन किया कि ये एक राइट एक ट्राइंगल लिया, इसमें ए डी परपेंडिकुलर हो गया, ये लेंथ हो गई ए, तो अगर हम इसका एल्टीट्यूड देखें तो वो होगा बी सी इंटू ए डी, राइट? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. इन अ ट्राइंगल ए बी सी लेट एंगल सी इक्वल टू पाई बाई टू इफ स्मॉल आर
इज इन रेडियस एंड कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल देन टू आर प्लस आर, क्या होगा? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पे क्या करते हैं बताता हूं। पहले तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई, अगर वो यूज करेंगे तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ए बी सी अगर 30, 60 और 90 दिया हुआ हो, इसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल ए को 1 लीजिए, बी को रूट 3 लीजिएगा, सी को 2 लीजिएगा, कैपिटल आर को लीजिएगा, कैपिटल आर को लीजिएगा 1 और स्मॉल आर को लीजिएगा 0.3255 लगभग अप्रोक्सीमेट। अब देखिएगा ये अप्रोक्सीमेट होता है। अब आपसे बोला है जैसे फॉर एग्जांपल 2R प्लस R, सी 90 दिया, इससे मैंने ये कंसेप्ट बनाया, तो 2.32 प्लस R अगर करें तो R 1 यानी 2 × 1.32 यानी लगभग 2.64, उससे ज्यादा ही होगा। अब अगर देखें तो 2.64 क्या हो सकता है, B प्लस C करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, A प्लस C करेंगे ये भी नहीं, तो बचा क्या, ए प्लस बी। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब अगर इसको सपोज मैथड से करना है, ये लॉजिक से करा आपने, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैथड से करना होता तो हम क्या करते, देखिए, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर इसी क्वेश्चन को मैथड से करना होता तो मैं बोलता आपसे कि एंगल सी दिया है पाई बाई टू, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ए बी साइन सी, राइट, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ ए बी साइन सी, साइन 90 दिया है तो 1 हो जाएगा। इसके अलावा हमको एक चीज पता है कि कैपिटल आर इक्वल टू, देखिए कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, रिलेशन तो लाना ही है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं चाहे तो, या हम ऐसा बोल सकते हैं 2 डेल्टा इक्वल टू ए बी, तो कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा, तो ये 2 डेल्टा को लिख सकते हैं ए बी, तो ये हो गया ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो सी अपॉन आर, सॉरी सी अपॉन 2, तो सी का वैल्यू आ गया 2R, सी का वैल्यू आ गया 2R। एक और फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि हमको सी की वैल्यू दी है, 10C/2 इक्वल टू आर अपॉन एस माइनस सी, राइट, मैं इसका प्रूफ भी समझा दूंगा अभी आपको। ये रखा पाई बाई टू 90, तो ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू आर अपॉन एस माइनस सी या s माइनस सी इक्वल टू स्मॉल r। s क्या होता है, s होता है चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2s माइनस 2c इक्वल टू 2r, 2s हो गया a प्लस b प्लस c माइनस 2c इक्वल टू 2r, या a प्लस b इक्वल टू 2r प्लस c, माइनस c बचा और c की वैल्यू है 2r, तो a प्लस b इक्वल टू 2r प्लस कैपिटल 2r, 2 कॉमन तो r प्लस r। देखिए ये आ गया आंसर, राइट, ये आ गया आंसर। तो ये भी एक तरीका आपके लिए सॉल्व करने का हो सकता था, बस क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं। नोट करिए क्वेश्चन को।